process तो अच्छी थी। आप process तो explain करो। तो यार मुझे ना waste के लिए काफी कैसा होना चाहिए। इतना debate मत, total आर मत। इतना debate मत करो। इतना side अलग तो ताकि cover आते हैं। Cover आते हैं। इतना 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 इतना। आने में ಯಾ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಐತಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅದರಿಂದ ಇದಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೋಡನ್ನು ಗಲೀಜಿರಬಾರ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಓಪನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಮೇಲೆ ಹಣ ಏನಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಂಡೇಜ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಲೀಜ್ ಪುರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಏನೋ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ और पानी गरम करको छान को पीना और ने की इस अंगर पूरा जमा के उसके राख पूरा करता पीते चल लो सच में उसने तो बीमार है को पड़ लगे ये खर्च आई सब लोग डर न को हिम्मत से बोल नमस्ते ना मैं विद्या विकास विद्या संस्था शाला से है हम आज स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के बारे में आपसे स्वच्छता के बारे में कुछ जानकारी देते हैं मैम तो आप अपना कचरा को थोड़ा कच्चा और सूखा करके आप अलग कर दीजिए और जब कचरे की जो गाड़ी आती है उसी में ही आप सारा रख दीजिएगा और जो पानी होता है तो उसे कवर करके रख दीजिए पानी जो आप यूज़ करते हैं उसे लिड में बंद करके रखिएगा और जब आप खाना पकाते हैं खाना पकाने के बाद उसके ऊपर ढक्कन मोच दीजिए ताकि क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस फैल रहे हैं जिससे बीमारियां बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो आप जब भी खाना पकाए तो उसे कवर करके रख दीजिए ताकि बीमारियाँ फैलना रुके आप खाना पकाने से पहले जो सब्ज़ी धो के और काट के जो सब्ज़ी बुरा है जो अच्छा है वो लेकर उसे पकाइए मैम क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन आ सकते हैं जैसे कि मदरासा है कोरोना और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्ज़ी धोकर ही पकाएँ और बच्चे को ठीक तरह से पानी पिलाइए और बाफ पानी पिलाइए बच्चे वो बच्चा है इसलिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी बहुत मानसून का जो बारिश के जो सीज़न है इसमें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल कीजिएगा ताकि क्योंकि अभी पानी से ही सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही है तो ये सबसे अच्छा होगा कि हम उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल करें गर्म पानी और बच्चे के गर्म पानी डाइपर Thank you.